Conceptual data modeling नहीं आएगी यू विलूजेंसुड पुट योर टू हंड्रेड परसेंट एफर्ट टू अंडरस्टैंडिंग लगेपेस मॉडलिंग क्या चीज है कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग क्या चीज है अब पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग के अंदर जो टूल हमने समझा जो चीज हमने समझ वो क्या है एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ई e आर डी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये बेसिकली इट इज थ्रू विच वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ द डिजाइन ऑफ डेटाबेस ऑन पेपर यानी इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ डाटाबेस यानी जिसना घर का नक्शा होता है ये बिल्कुल डेटाबेस का नक्शा है और नक्शे को बनाने के लिए जो हमारे पास यूं कह लें हमारे पास गाइडेंस मौजूद है जिन रूल्स को हमने फॉलो करना है या इन द एंड जो हमने डायग्राम क्रिएट करनी है उसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये डायग्राम 1976 में पीटर चैन ने इन्वेंट की थी या डेवलप की थी जब मैं ये कह रहा हूं कि डेवलप की थी या इन्वेंट की थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कोई काम नहीं हो रहा था बहुत काम हो रहा था लेकिन फॉर्मली 1976 में इट वाज अनाउंस्ड तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट वर्जन डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर आ, हम लोग ई आर डी क्रिएट करते थे लेकिन डिफरेंट फ्लेवर के अंदर तो बेसिकली नाइनटीन सेवन सिक्स के अंदर यह डायग्राम डिवेलप हुई थी बेसिकली इस डायग्राम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यह है कि इट विल अनेबल यू टू विजुअलाइज डिफरेंट बिजनेस इंटरेक्शन मतलब नई चीज हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे यानी कोई नया बिजनेस प्रोसेस क्रिएट नहीं कर रहे बिजनेस प्रोसेस से मुराद मुरादी होती है कि नई चीज डेवलप करना फ्रॉम एंड टू एंड यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शनैलिटी देनी है लॉगिन की अब लॉगिन लॉगिन की फंक्शनैलिटी करने के लिए जिन जिन स्टेप्स की जरूरत है वो जब मैं सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लूंगा तो उन सारे स्टेप्स को मैं नाम दे दूंगा बिजनेस प्रोसेस का तो ई बेसिकली आपको कोई नई चीज डेवेलप करने में मदद बिल्कुल नहीं देती ये इसका बेसिकली ये इसकी इसका एसेंस ही नहीं है यानी ये इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसका गोल ही नहीं है इसका गोल ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो चीजें मौजूद हैं और डिफरेंट चीजें मौजूद हैं डिफरेंट चीजों को विजुअलाइजेशन कर दे फॉर इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में मदद करे यानी टू विजुअलाइज द डिफरेंट इंटरेक्शन एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट थिंग्स उन इंटरेक्शंस को विजुअली रिप्रेजेंट करने विजुअली रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है यानी इसका गोल ये नहीं है कि कुछ नई चीजें डेवलप करे ई का गोल बेसिकली ये है कि एग्जिस्टिंग चीजों को विजुअलाइज करने में यूजर की मदद करे ताकि हमें डिफरेंट इंटरेक्शंस को यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं डिफरेंट चीजों के दौरान के दरमियान उनको अंडरस्टैंड करने में बेसिकली हमारी मदद करे तो इसका जो गोल है या एंड प्रोडक्ट जो है हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एक नई चीज डिवेलप कर ली नो no. इसका काम ये नहीं है इसका काम ये है कि जो चीजें ऑलरेडी डिवेलप हुई हुई हैं मैनुअल सिस्टम के अंदर उन चीजों के दौरान उन चीजों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो हमें समझने में मदद करती है ये डायग्राम दैट्स वन एस्पेक्ट इसका जो गोल है या जो इसके रिक्वायरमेंट है जो उसकी एसेंस है वो नई चीजें बनाना नहीं है एग्जिस्टिंग चीजों की को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी मदद करती है बाय यूजिंग सम सम टूल्स बाय यूजिंग सम डायग्राम्स और ईआरडी बेसिकली उस डायग्राम का नाम है जो एट द एंड ऑफ द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस हमारे पास आ जाती है वन कॉन्सेप्ट सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डेटा के अंदर कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब ईआरडी को बनाने के लिए या ईआरडी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली देर आर मोर देन वन वेज ऑल द ऑल द वेज आर करेक्ट गलत कोई नहीं है लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग डिफरेंट नोटेशन यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं सारे तरीके सही हैं, गलत कोई नहीं है लेकिन ऑब्वियसली हम इस कोर्स के अंदर कोई एक तरीका यूज करेंगे सारे तरीके यूज नहीं करेंगे तो बेसिकली आपको यह समझाने का मकसद है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ERD के अंदर, तो डिफरेंट नोटेशन आपको मिलेंगी या डिफरेंट मटीरियल के अंदर डिफरेंट नोटेशन आपको मिलेंगी सारी की सारी नोटेशन बिल्कुल सही है हमारा बेसिक कंसर्न ये कि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक या एक से ज्यादा नोटेशन भी यूज कर सकते हैं यह मेरा गोल नहीं है कि आपको मैं किसी एक नोटेशन में, में, में आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल ईआरडी कैसे बनानी है और यह भूल जाऊं कि ई होती क्या है यानी आपको यह ना समझाऊं कि ईआरडी क्या होती है यह बता दूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है एक्स वाई जी नोटेशन के अंदर तो ड्यू टू द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन देर एग्जिस्ट मोर देन टेन वेज फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट ई ऑन पेपर एवरी 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 टेक्निक एवरी वे इज एज फाइन एज दर वन इज तो नो डिबेट सही क्या है गलत क्या है अच्छी क्या है बुरी क्या है क्योंकि ये हम डिबेट कर ही नहीं रहे हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ई आर डी एक्चुअली है क्या